आश्वस्ति आणिला कालबैशाखी। सारा राज्य में तातीरु मिलिला त्राही। कालबैशाखी प्रभाव में गतकाली ठारु विभिन्न स्थान में वर्षा पवन लागि रहिछि। किछि स्थान में कुआपथर माड़ मध्य होइछि। गत 24 घंटा में गजपति जिलार दुईट स्थान में सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होइछि। आज भी कोहला पाग सांग को घड़घड़ी सह वर्षा होइछि। आसंता 3 रु 4 दिन पर्यंत दिन तापमात्रा अनेक स्थान में 4 रु 6 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइब। दक्षिण झारखंड उपरे सक्रिय घूर्णिबळ एवं ओडिशा उपर दे लंबी थिबा ट्रफ लाइन प्रभाव रे अनेक स्थान रे वर्षा होई छी। 9 तारीख पर्यंत बिजुली घड़घड़ी ओ वर्षा नै चेतावनी जारी करी छी भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। वर्षा बिजुली घड़घड़ी ओ घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन पाई। आज गंजाम गजपति नयागढ़ केन्द्रीय मयूरभंज और बालेश्वर को ऑरेंज अलर्ट जारी होई छी। 8 एवं 9 तारीख रे 6 जिला को ऑरेंज वार्निंग दिया जाय छी। एहि समय मधे उत्तर उपकूल ओडिशा पार्श्ववर्ती पश्चिमबंग उपकूल अंचल में पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर रहिबो। फळरे समुद्र अशांत जोगु 6 रु 8 तारीख जाए मत्स्यजीवी मानंकु समुद्र मध्यकु जिबाकु बारण करा जायछि। गत 24 घंटा रे आम राज्य रे गजपति जिल्ला रे दुई जगह रे हेवी रेनफॉल रिपोर्ट करा जायछि। 7 सेंटीमीटर रेनफॉल दुई जगह रे होईछि। सेटा ला गोसानी आउ गुमारे होइछि। आउ ता सहित 30 टी शहर रे गोटे सेंटीमीटर किंबा अधिक वर्षा रेकर्ड करा जायछि। एबे जो आम फोरकास्ट दौचु आगामी 3 दिन पाई कि अनेक स्थान रे पूरा राज्य रे अनेक स्थान रे घड़घड़ी बिजुली सहित वर्षा होबार संभावना रहिछि। किछि किछि स्थान रे झड़ी तूफान भी होबार संभावना रहिछि। मोस्टली इंटीरियर ओडिशा सेतबेले पवन गति 40 रु 50 किलोमीटर पर आवर रहिबार संभावना रहिछि। आउ भारी वर्षा माने प्रबल वर्षा भी गोटे दुटा जगार हो पारे जमीक डिस्ट्रिक्ट गंजाम गजपति कंधमाल नुआपड़ा नुआपड़ा आउ कलाहांडी कंधमाल ये सब डिस्ट्रिक्ट गोटे दुटा जगार हेवी रेन हो पारे। ता सहित नॉर्थ ओडिशा माने मयूरभंज केउंझर बालेश्वर इत्यादि में इत्यादि गोटे दुटा जगार हेवी रेनफॉल होबार संभावना रहिछि। अधिक सूचना पई सीनियर रिपोर्टर अमिय रंजन सिंह को पाखकु जिबा। अमिय काल बैसाखी सारा राज्य रे तातीरु त्राही आनी दैछि। एवं जदि राजधानी भुवनेश्वर कथा में देखिबा सकाळु कोहला पागो सांगो को जिबि जिबि वर्षा मध्य जारी रहिछि। अमिय सुनीता जो किछि दिन पछुक आम फेरी जिबा समय जो एगारटा बाजुतर आपण मत जानते रास्ताघाट गोटे प्रकार सुनसान होता गोटे अघोषित कर्फ्यू चित्र सामक आसूला कितु बर्तन पाग बदली मिजाज बदली अर्थात काल बैशाखी आश्वस्ति आनी आकाश अग्नि वर्षा एथुर राज्यवासी को गोटे प्रकार त्राही आनी काल बैशाखी अनुमान सुनीता 9 तारीख पर्यंत राज्य विभिन्न स्थान में यह पाग लग राज्यर विस्तृत अंचल वर्षा हबार अनुमान किसी किसी जिले में भारी वर्षार अनुमान आभ्यंतर ओडिशा झड़ी वर्षार अनुमान आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र जेहेतु कहु 40 रु 50 किलोमीटर पवन बहवा अनुमान तेणु मत्स्यजीवी को समुद्र को न जाए बारण कर आज कथा जब आम कह गजपति केन्द्र मयूरभंज कंधमाल ए पकेटे वर्षा हमारे अनुमान या नजर रखी ऑरेंज अलर्ट जारी कर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र आसंता काली पर दिन जदि आप देखिए 9 तारीख पर्यंत आसंता काली 6 जिला एवं 8 तारीख 9 तारीख दिन 6 जिला को आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षर ऑरेंज अलर्ट जारी कर ट्विन सिटी कथा सुनता टी नजर पकेबा गतकाली आप देखते ट्विन सिटी में प्रबल मात्रा वर्षा होता पवन होता और गच्छ घर भांगी दृश्य सामना को आसी आज आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर ट्विन सिटी को वार्निंग गुड प्रकार जारी कर पवन और घर गुड़ वर्षा हमारे अनुमान कर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र सुनता बहुत बहुत धन्यवाद अमिय समस्त सूचना पाई। अमिय रंजन सिंह सीनियर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होते सदासलख अधिक सूचना दौले कालबैशाखी प्रभाव में सारा राज्य में तातीरु त्राही मिली गत काली विभिन्न स्थान में वर्षा पवन लग रही आज भी कोहला पाग सांग को घड़घड़ी सह वर्षा जारी रही स्थिति आहुरी 3 रु 4 दिन पर्यंत जारी रहा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कर तबे किभली स्थिति रही वर्तमान कोरापुट ब्यूरो हेड कीर्ति चंद्र साहू आम सहित तो जोड़ी होती कीर्ति चंद्र कोरापुट रे आपण केमती स्थिति देखुंत सेठारे मध्य कालबैशाखी रो प्रभाव देखा मिली कीर्ति चंद्र
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି କୋରାପୁଟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାହାନ୍ତିଆ ଠାରୁ ଝଡ଼ ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନର ମାହୋଲ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କୋରାପୁଟରେ ଯୋଉ ଭୀଷଣ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଖରା ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ଉତ୍ତପ୍ତରେ ସିଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାହାନ୍ତିଆ ଠାରୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଗଡ଼ ପବନ ହେଇଛି, କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି, ସେଥିରେ ପରିବେଶ ଟିକେ ଶୀତଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଇଏ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଛତା ଧରିଛନ୍ତି, ଏଠି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଜି କୋରାପୁଟରେ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଯେ ପାଣିପାଗର ଯୋଉ ପୂର୍ବାନୁମାନ ତାହା ସତ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କିଛି ମାନେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ଏଭଳି ଟିକେ ପାଗ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ କୋରାପୁଟରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଯେ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଥିଲା, ସେଇ ପରିବେଶ ଅନୁଭୂତ ହେଇପାରିବ, ନଚେତ ଆହୁରି ଗରମ ହବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ବର୍ଷା ଯେ ପାହାନ୍ତିଆଠାରୁ ଯୋଉ ଝଡ଼ ପବନ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏବଂ ମେଘୁଆ ପାଗ ରଖିଛି, କୋହଲା ପବନ ହେଉଛି, ଏବେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଜାରିଛି, ସେଥିରେ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେତେ ଲୋକେ ଖୁସି, କାରଣ ଯେଭଳି ତାତିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ସମସ୍ତେ ହଉଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରିବେ ଆପଣ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ନେଇପାରିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ପରିବେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗତକାଲିର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କୋରାପୁଟର ପରିବେଶ ଆଜିର ଯୋଉ ପରିବେଶ କିଭଳି ଅଛି? ବହୁତ ଗରମ ହଉଥିଲା, ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବାହାରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହଉଥିଲା ଘରୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଚାକା ମାନେ ମାଣି ଚାକାରୁ ଏତେ ଜୋର ପବନ, ଏତେ ଜୋର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଘଁ ଘଁ ପବନ ଆସିଲା, ଯୋଉ ମୋ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଗରମ ଥିଲା କୋରାପୁଟରେ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷା ହେଲା? ସକାଳ ପବନ ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି, କାରଣ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୋରାପୁଟ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।